अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़। बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से ये रेसिपी है। बहुत डिफरेंट टाइप की फिलिंग होती है, बट आई ब्रिंग फॉर यू द इजीएस्ट रेसिपी एंड वेरी डिलीशियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आलू और चिकन ले लिए हैं मैंने। चिकन अराउंड 100 grams है, बोनलेस है। और दो मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं। इन सबको बॉईल करने के लिए मैंने रख देना है। कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस सिंपल वाटर में इसको बॉईल कर लेंगे। उसके बाद स्पाइस डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट बस ऐड कर लें फॉर टेस्ट। अच्छा जी, तो फिर वेट करेंगे इसके बॉईल होने का। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे आलू और चिकन, तो ठंडा करके इसको चिकन को श्रेडेड कर लेंगे और जो पोटैटोज़ हैं उसको मैश कर लेंगे और उन दोनों का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो कुछ जब ये कूल ऑफ हो गया तो मैंने इसे मैश कर लिया, पोटैटोज़ को, चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया। अब ऐड करेंगे सॉल्ट अराउंड 1/2 teaspoon। ऑलरेडी बॉईल के वक्त हमने ऐड कर लिया था, तो फिर टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। क्रश चली जाएगी इसमें 1/2 teaspoon। सो ऐसा हो जाएगा 1/2 teaspoon। बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी सा एक फ्लेवर आएगा इसमें, जो इसकी फिलिंग को बहुत ही टेस्टी बना देगा। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1/2 teaspoon। और वाइट पेपर पाउडर बहुत ही लाइक अराउंड अ पिंच ऐड करेंगे हम इसे फॉर टेस्ट। मेयोनीज़ ऐड करूँगी 1.5 tablespoon। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिए। और 1/2 teaspoon इसमें जाएगा बटर। बटर और मेयोनीज़ से बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके जो है इसका हम बैटर जो है मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेंगे। डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड रोल्स वगैरह में भी आप इसी मिक्सचर को रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने समोसे की पट्टियाँ ले ली हैं, समोसा लीव्स ले लिए हैं या स्क्वायर शेप की लीव्स ले ली हैं, आप जिस टाइप की भी शीट्स आपके पास अवेलेबल हो, बट स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, जब ही जो है वो इसका बॉक्स का जो शेप है वो आ जाएगा। तो बस ओवरलैप कर लेंगे, दो शीट्स ले लेंगे और इन दोनों को ओवरलैप कर लेंगे। सेंटर में इसकी फिलिंग रखेंगे और दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरह इसको फोल्ड करना है। आटे का जो मिक्सचर है वो मैंने बना लिया है, वाटर ऐड करके 1 tablespoon ऑयल में, तो उससे ये स्टिक हो जाएगा। तो बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। तीनों तरफ फोल्ड करने के बाद जो लास्ट पार है उसमें हम अपनी जो है ये आटे का मिक्सचर लगा के उसको पैक कर लेंगे, सील कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाते हैं। आप चाहे तो फिर इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं आराम से। तो इसी तरह मैं तमाम जो है वो बॉक्स पेटी से रेडी कर लूँगी। तो जी ये रेडी हो चुके हैं, सब इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी वर्जन। तो गाइस, मज़ेदार से हमारे बहुत ही क्रिस्पी से बॉक्स पेटीज रेडी हो चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। ट्राई करिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।